कोटा में रामनवमी पर शहर में विभिन्न राम मंदिरों में विशेष आयोजन होगा। मंदिरों में राम दरबार के साथ अन्य प्रतिमाओं का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा और कई जगहों पर नवरात्रि के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों का समापन होगा। गोदावरी रामधाम सहित अन्य मंदिरों में धार्मिक आयोजन होंगे। रामधाम में पिछले 8 दिनों से चल रहे वेदों का पाठ और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। संत लक्ष्मण दास जी महाराज के अनुसार देश को कोरोना से मुक्त करवाने के लिए ये यज्ञ इस नवरात्रा में शुरू किया गया था और रोजाना 2 से 2.5 लाख आहुतियां हवन में दी जा रही थी, उसकी पूर्ण आहुति कल होगी। इसके साथ ही कल मंदिर परिसर में ही शहर में आयोजित हो रही विभिन्न रामलीला और रामकथा में रावण का किरदार निभा रहे कलाकारों का सम्मेलन भी होगा। जैसे कि नवरात्रा का 9 दिन से यहाँ पे कार्यक्रम चलता आ रहा है और हर रोज की भांति कल भी यहाँ पे सभी जो देवी देवता विराजमान है उन सबके श्रृंगार होंगे, उसके बाद में उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती है और फिर इसी के बाद में यहाँ पे जो पंडित जो यजमान हैं उनके लिए यज्ञ भगवान की पूजा करवाते हैं, उसके बाद में यज्ञ शुरू हो जाता है। यज्ञ की आहुतियाँ लगती है, तकरीबन 2.5 लाख आहुतियाँ रोज की लगती है। कल हमारा अनुष्ठान जो है ये विश्व कल्याण के लिए ये तीसरा अनुष्ठान है, 2 अनुष्ठान इसके पहले हो गए जिसमें 21 लाख आहुति दी गई थी और इसमें 22.5 लाख आहुति दी जा रही है। रोज़ 2.5 लाख आहुति लगती हैं और ऐसे करके 9 दिन में 22.5 लाख आहुति दी जा रही है।